हेलो फ्रेंड्स, अब तक आपने डिजिटल आईडी फेस ऑफ को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन का दबाओ लेटेस्ट अपडेट। हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो मैंने पर्टिकुलरली अपने फ्रेंड्स अपनी टीम वालों के लिए ये वीडियो बनाया है जिसने अभी रिसेंटली हमारी कंपनी के साथ स्टार्टअप किया है कॉर्पोरेट इंफोकॉम प्राइवेट लिमिटेड के साथ। आपने डोमेन नेम रजिस्टर किया और आपका डोमेन नेम रजिस्टर होके आ गया है तो आप यहां से मैं आपको स्टार्टिंग से सिखाऊंगा जैसे आपका डोमेन नेम रजिस्टर होके अब एक प्रोफेशनल वेबसाइट कैसे बना सकते हो। तो ये वीडियो आप एंड तक देखना। और दोस्तों, मैं आपके एक छोटी सी अपील करूंगा, अब तक आपने मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो क्योंकि यहाँ पे मैं पूरी डिजिटल मार्केटिंग की सारी चीजें यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। एंड सेकेंड चीज, अब तक मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जाके फॉलो करो क्योंकि सारे में लेटेस्ट अपडेट्स चीजें वहां पे सिखाने वाला। तो जाओ जल्द से जल्द फॉलो करो। चलो अब थोड़ी भी देरी करे बिना हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन के वहां पे जाते और स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें मैं आपको सिखाता हूं। अभी हम हमारे डेस्कटॉप की स्क्रीन पे आ गए। अब हम सबसे पहले काम करेंगे, हम cipl.net.in गूगल पे सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद हमारी वेबसाइट खुलेगी कुछ इस टाइप से। देखो, ये हमारी पूरी अपने कंपनी की वेबसाइट है, पूरे आप देख सकते हो, सारे एक्सपर्ट सारी चीज़ें आपको दिखेगी। अब आप ऊपर जाओ और ऊपर जाके आपको बाजू में एक आइकॉन दिखेगा जहाँ पे आपको यूज़र लॉगिन करना है। आप CIPL के पार्ट हो तो आप यहाँ पे लॉगिन एक्सेस कर पाओगे। तो आपको यहाँ पे अपना यूज़र नेम एंड पासवर्ड डालना है। पासवर्ड डालने के बाद पासवर्ड डाल देंगे आपको, जो भी हमारी कंपनी से जो आपको पासवर्ड मिला है वो आप पासवर्ड डाल सकते हो। उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करना है। कुछ ये हमारे नए अपडेट्स आए, वो हमारा नया पेज खुलेगा, उसे स्किप करना है और आगे बढ़ना है। तो हम इसे स्किप कर लेते हैं। अब देखो, कुछ ऐसा इंटरफेस खुलता है हमारा। अब यहाँ पे हम सिंपली जाएंगे कॉन्टेक्ट अस के ऑप्शन में, कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक करेंगे सिंपली तो आपको एक नया पेज ओपन होगा जहाँ पे आपको कुछ इस तरह, तो यहाँ पे सपोर्ट सेंटर पे क्लिक करना है। सपोर्ट सेंटर से हमारे को एक नया मेल आया रहेगा, वो मेल पे क्लिक करेंगे तो आपको मेल कुछ इस तरह खुलेगा जहाँ पे आपको अपनी सारी डिटेल्स मिल जाएगी, आपका प्लेस का यूज़र नेम पासवर्ड सारी डिटेल्स मिल जाएगी। तो पहले हम अपने यूज़र जो वेबसाइट का नाम लिंक मिली है हम उस पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरफ से। तो एडवांस पे क्लिक करके प्रोसीड टू वेबसाइट पे जाना है। अब यहाँ पे भी आपको अपना यूज़र नेम एंड पासवर्ड मांगेगा। तो यहाँ पे देखो, हमारा जो यूज़र नेम एंड पासवर्ड है आप वो डाल दो सिंपली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने यूज़र नेम कॉपी कर लिया और यहाँ पे पेस्ट कर दे और पासवर्ड भी कॉपी कर लेते फटाफट और यहाँ पे पेस्ट कर डालते। पेस्ट करने के बाद हम लॉगिन कर लेते इसे फटाफट। तो ये लॉगिन हो रहा है, लॉगिन होने में थोड़ा टाइम लगेगा। कुछ इस तरह से हमारा पूरा डैशबोर्ड होगा, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, सारा पूरा आपका डैशबोर्ड होगा। और यहाँ पे राइट हैंड साइड पे जाना है और नीचे आपको दिखेगा वर्डप्रेस, तो वर्डप्रेस पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे हमने अब तक कोई वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन नहीं किया तो हम सबसे पहला काम करेंगे वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे। वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है सबसे पहली चीज़। इंस्टॉलेशन पार्ट में कुछ नहीं लिखना है, फिर टाइटल में आपके हिसाब से अपना टाइटल डाल सकते हो। मैंने यहाँ टाइटल डाल दिया, आपको जिस हिसाब से वेबसाइट बनानी है उसके अलग अलग टाइप से आप वो भी डाल सकते हो। और लेटेस्ट वर्जन भी आप चेक कर सकते हो आपकी वेबसाइट में, अभी वर्डप्रेस का कौन सा लेटेस्ट वर्जन है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपका जो यूज़र ने वर्डप्रेस लॉगिन करने का टाइम कौन सा यूज़र नेम आपको चाहिए आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। और इसके साथ नीचे आप अपने हिसाब से अपना पासवर्ड सेट कर देना। हमने यहाँ पे पासवर्ड सेट कर दिए। अब हम नीचे देखेंगे, यूज़र नेम एंड पासवर्ड सेट कर लिया। अब नीचे हम सिंपली चेक करेंगे नीचे और क्या क्या चीज़ें आपकी, जो ईमेल आईडी है चेक करो बराबर है या नहीं, या बराबर नहीं है तो आप अपनी ईमेल आईडी डाल सकते हो। ईमेल आईडी डालने के बाद सिंपली कुछ नहीं करना है और नीचे डेटाबेस चेक कर सकते हो या ऑटो अपडेट सेटिंग्स चेक कर सकते हो। आपको कोई अपडेट्स और वेबसाइट के रिलेटेड इंस्टॉलेशन का कुछ चाहिए तो आप वो भी डाल सकते हो।
तो यहाँ पे हम देख लेते और इंस्टॉल में क्लिक कर दिया। इसमें थोड़ा आपको टाइम लगेगा इंस्टॉल होने में, तो आप थोड़ा वेट कर लो। तो ये इंस्टॉल हो रहा है, डेटाबेस भी आप चेक कर सकते हो जहाँ पे आपको अलग अलग चीज़ें मिली रहती है, पासवर्ड वो सब, तो आप देख लो अपने हिसाब से। अब इसके आगे हम आगे बढ़ते सारी चीज़ों में। अब इसके साथ मैं एक और चीज़ कहूँगा, अगर आपने अब तक मेरी YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ, क्योंकि वेबसाइट डिज़ाइनिंग के सारे चीज़ें मैं इस पर दिखाने वाला हूँ। देखो यहाँ पे नीचे इंस्टॉल हो रहा है, देखो ये इंस्टॉल हो गया, यहाँ पे आपको दिखाएगा। तो अब हमारा पूरा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया। आपको कुछ यहाँ पे थीम इंस्टॉल करने तो कर सकते हो, और यहाँ पे आपके जो अपडेट्स है, हम पहले अपडेट कर लेते हैं अपनी पूरी वेबसाइट, तो अपडेट रहेगी उतना सिक्योर होगी। अब इसके साथ मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगा, आप हर रोज़ अपना मालवेयर स्कैन कर लेना, इम्यूनिटी AV तो स्कैन करना, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। अब हमारी जो वर्डप्रेस है, हम उसे लॉगिन करते हैं। यहाँ पे ऊपर ऑप्शन है, देखो लॉगिन का ऑप्शन है, हम जाएंगे सिंपली लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो हमारा वर्डप्रेस लॉगिन हो जाएगा। देखो कुछ इस तरह से लॉगिन हुआ, एंड प्रोसीड करना है। अगर आपकी वेबसाइट में ऐसा आता है तो SSL सर्टिफिकेट ले लेना, अपनी वेबसाइट सिक्योर करो। कैसे लेते हैं, मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया, आप जाके आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगा, नहीं तो आप मेरे YouTube चैनल पे जाके चेक करो, आपको उसका वीडियो मिल जाएगा, इन डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। अब ये हमारा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है। हम सबसे पहला काम करेंगे, एक थीम सिलेक्ट करेंगे, बहुत बढ़िया थीम, तो हम सिंपली वहाँ पे क्लिक करेंगे ऐड न्यू। पहले चेक कर लेते हैं आपकी वेबसाइट कैसी है। देखो आपकी वेबसाइट कुछ इस तरह, अब देखो थोड़े टाइम के बाद आपकी वेबसाइट विदिन अ 2 मिनट्स में आपकी पूरी वेबसाइट चेंज हो जाएगी। तो हम अपीयरेंस में जाके थीम पे क्लिक करते, थीम पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह से ऐड न्यू थीम में जाना है, और यहाँ पे एक मैं आपको थीम रेकमेंड करूँगा एक्स्ट्रा करके। तो सबसे पहले देखो हमारी जो थीम आई है वो एक्स्ट्रा है, हम इसे पहले इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल हो रहा है, इंस्टॉल हो गया, अब इसे एक्टिवेट कर लेते हैं। ये सबसे फास्टेस्ट थीम मेरे अकॉर्डिंग है, आपके अकॉर्डिंग दूसरी कोई होगी तो आप वो ले सकते हो, मेरे को सबसे बेस्ट ये थीम अच्छी लगती है। इसके बाद हम एक प्लगइन इंस्टॉल करते हैं, प्लगइन का भी नाम है एक्स्ट्रा साइट, जहाँ पे हमें टैम्पलेट्स मिलेंगे अपनी वेबसाइट के लिए, तो हम उसे भी इंस्टॉल कर लिया। सिंपली अब रिटर्न अपीयरेंस में जाना है, अपीयरेंस में जाके हमें स्टैटिक टैम्पलेट पे क्लिक करना है, जहाँ पे हमें बहुत सारे टैम्पलेट्स मिलेंगे। और उससे पहले हम किस पे यूज़ करेंगे, 4 टाइप के वेबसाइट बिल्डर होते हैं, जिसमें हम एलिमेंटर इज बेस्ट प्लेटफॉर्म डिज़ाइन योर वेबसाइट। तो आप अपनी वेबसाइट एलिमेंटर से बढ़िया डिज़ाइन कर सकते हो। देखो बहुत सारे पैम्पलेट है, मुझे ये वाला पसंद आया, हम ये यूज़ करेंगे। देखो आप चेक कर सकते हो, आपको ये पैम्पलेट चाहिए तो ये पैम्पलेट ले सकते हो। अब इसे कुछ नहीं करना है, इंपोर्ट साइड करना है, तो आपका पूरा वेबसाइट पे इंपोर्ट हो जाएगा वो प्लगइन, और आपकी वेबसाइट की लुक अभी के अभी देखो कैसे बदल जाएगी। ये हम इसे कंप्लीट होने देते फटाफट, ये देखो कंप्लीट हो रहा है। अब वेबसाइट व्यू करते हैं, अब देखो हमारी वही वेबसाइट, अब देखो कैसी हमारी वेबसाइट पूरी चेंज दिखेगी। आप लोग देख सकते हो हमारी वेबसाइट में एक अलग ही लुक है पूरा, जहाँ पे आप चेक कर सकते हो ये पूरी साइड है, देखो पूरी चेंज हो गई रहेगी। आपने देखा रहेगा तो ध्यान से देखो, आप पूरी वेबसाइट चेक कर सकते हो। और ऊपर एडिट करने के लिए एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करना है। देखो हमारा कुछ ऐसा, अब हम यहाँ पे जहाँ पे भी क्लिक करेंगे वहाँ पे हम सारी चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं, तो आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स। देखो पूरा ऐसे आप जहाँ क्लिक करोगे वहाँ पे आप क्लिक करके चेंज कर सकते हो अपनी पूरी वेबसाइट में। अब लोगों का एक और सवाल रहता है, अपने वेबसाइट के डैशबोर्ड से जाके हम कैसे फिर से करेंगे, तो हम सिंपली कुछ नहीं करेंगे, पेज पे जाएंगे और पेज में जाके होम पेज पे एडिट विथ एलिमेंटर करेंगे, तब में भी ये चीज़ ओपन होगी, और वहाँ से भी आप अपनी वेबसाइट एडिट कर सकते हो पूरी। देखो कुछ इस तरह से, तो ये हमारा पेज ओपन है, होम पेज। यहाँ पे देखो एलिमेंटर पे क्लिक किया तो फिर से वैसा ही ओपन हो गया, सेम टू सेम, कोई
बिग टास्क नहीं है, आप भी अपने हिसाब से अपने ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपनी वेबसाइट पूरी डिज़ाइन कर सकते हो आपकी मर्जी से। अब हम सिंपली क्लिक करेंगे, आपको मेरे को यहाँ पे नाम चेंज करना है तो मैं नाम चेंज कर देता हूँ, आपको जो नाम रखना है आप वो रख सकते हो। तो आपकी वेबसाइट के हिसाब आप डाल दो, यहाँ पे आपके जो सर्विसेज है वो आप एडिट कर सकते हो आपके हिसाब से, यहाँ पे लोगों से आपको जो लोगों से डालना है डाल सकते हो, हैप्पी क्लाइंट से आपको वहाँ पे भी डाल सकते हो। अब ये तो हो गया, आप सिंपल ये आपको इधर कुछ भी एडिट करना है, सारी चीज़ें इजी है, कोई टफ चीज़ नहीं है। अगर आप एक दो बार प्रैक्टिस करोगे आपके हाथ में बैठ जाएगी, और विद इन अ हाफ एन आवर भी नहीं लगेगा, 15 मिनट में आप अपनी वेबसाइट आपके अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर सकते हो। अगर आपको पता है अपनी वेबसाइट कैसे डिज़ाइन करते तो यहाँ पे सारी चीज़ें प्रोवाइड की गई है, तो आप देख सकते हो अपने हिसाब से आप अपनी वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हो। देखो अगर आपको डबल करना है, एड ऑन करना है, सारी चीज़ें इसमें दी गई है, तो आप अपने हिसाब से पूरी वेबसाइट आप एडिट कर सकते हो। नीचे देखो फोटोज़ है, फोटोज़ भी एडिट कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें दी है। तो आप एक बार विजिट करो और एडिट करो अपने अकॉर्डिंग वेबसाइट, और इसके थ्रू आप अर्निंग भी कर सकते हो बहुत बढ़िया, और एक प्रोफेशनल लुक भी दिखेगा आपकी वेबसाइट का। तो आप चेक कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें एलिमेंटर में दी गई है, कुछ पेड है कुछ फ्री है, फ्री से भी आप बहुत बढ़िया वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हो। अगर आपको प्रोफेशनल वे में हम मैं आपको एक फ़ोटो चेंज करके दिखाऊंगा। देखो सिंपली क्लिक करना है फ़ोटो पे, आपको जो फ़ोटो चाहिए वो सिलेक्ट करना है, हम सिलेक्ट कर लेते हैं हमें जो फ़ोटो चाहिए। देखो सिलेक्ट कर चुके हम अपना फ़ोटो हमें जैसा चाहिए, आपको भी जो फ़ोटो चाहिए आप वो सिलेक्ट करो, और सिंपली हम डालेंगे सोशल मीडिया टेल टू स्टोरी, टेलिंग स्टोरी। तो ये एक गैरी वी की बुक है, आप वो जाके भी पढ़ सकते हो, बहुत बढ़िया बुक है, एक बार आपने ये पढ़ ली तो मज़ा आ जाएगी। और आप एक सोशल मीडिया बढ़िया वाला यूज़ कर सकते हो और बिजनेस कर सकते हो अपना। तो देखो हमारी वेबसाइट में कुछ एडिट किया था, तो देखो चेंजेस भी आए बहुत कुछ, आप अपने अकॉर्डिंग वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हो विद इन अ 15 मिनट्स, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और डिज़ाइन करो अपनी साइट और बेटर बनाओ, आपकी चॉइस है आपको कैसे वेबसाइट डिज़ाइन करनी है, कैसे अपना किसी को भी आप डिज़ाइन भी करके दे सकते हो, बहुत बड़ा टास्क नहीं होगा ये वेबसाइट डिज़ाइन करना। तो आपके हिसाब से डिज़ाइन करो और आगे बढ़ो फटाफट। अब हमने पूरी वेबसाइट देखो चेंज हो गई है, तो आप भी अपनी पूरी वेबसाइट ऐसे डिज़ाइन कर सकते हो। अब हम अपनी वेबसाइट में अब नेक्स्ट चीज देखते हैं, अब हम और क्या चेंजेस कर सकते हैं इस वेबसाइट में। देखो अब हम वर्डप्रेस के ये जो एलिमेंट प्लगइन है इसमें हम बैक जाते हैं रिटर्न, अब रिटर्न हम हमारे वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे आ जाते हैं। देखो ये सारे पेजेस आपको डिज़ाइन करने हैं जिसके थ्रू आपकी वेबसाइट और बढ़िया दिखेगी, ठीक है गाइस। तो अब अभी मैं आपको सिखाऊंगा आप अपनी वेबसाइट में लोगो कैसे चेंज कर सकते हो। तो अपीयरेंस में जाके आप कस्टमाइजेशन कर सकते हो, अपीयरेंस में जाके थीम में जाके आप कस्टमाइजेशन कर सकते हो, या आप सीधा डैशबोर्ड पे आके कस्टमाइजेशन पे क्लिक करोगे तो आपका पूरा कस्टमाइजेशन सेशन खुलेगा। अब इसमें आप सिंपली कुछ नहीं करना है, देखो ओपन हो गया है हमारा। अब हम हेडर में जाएंगे, अब हेडर में क्लिक करते, क्लिक करने के बाद हम नेक्स्ट जाएंगे साइट आइडेंटिफाई, वहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे देखो लोगो दिख रहा है, तो लोगो को हम रिमूव करेंगे। और हमारे पास देखो अभी कोई स्पेयर में जो लोगो रहेगा मैं वो अपडेट कर देता हूँ। देखो ये लोगो ले लिया है अभी के लिए, तो हम इसे क्रॉप कर लेते हैं, आपको जैसा जितना लोगो चाहिए आप उतना अपने हिसाब से सेट करो, और इसे क्रॉप इमेज करके देखो यहाँ हमारी वेबसाइट में लोगो आ गया है। इतना सिंपल है, कोई टफ चीज़ नहीं है, इजी है, पब्लिश करना मत बोलना है, ये तो अपनी सारी चीज़ें आपकी रह जाएगी। हम हमारे रिटर्न डैशबोर्ड पे आ जाते हैं, अब हम
मैं आपको बता दूं, आपको वेबसाइट डिज़ाइन करनी है तो आप मेरा यूट्यूब पे भी वीडियो चेक कर सकते हो। हम यूट्यूब पे, ये मेरी यूट्यूब चैनल है, दोनों यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। ये मैंने पूरा वीडियो बनाया, आप अपनी वेबसाइट कैसे डिज़ाइन कर सकते हो 10 मिनट में प्रो लेवल पे। तो आपको देखना है तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो, प्रो लेवल पे आप कैसे वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हो आसानी से। तो ये देखो हमारी ये वेबसाइट अभी के लिए बेसिक रेडी हो चुकी है। तो आप भी अपनी ऐसी वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हो, कोई टफ चीज़ नहीं है। इसमें देखो पेज भी आ गए, होम पेज, अबाउट अस पेज, ठीक है गाइस। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। और नेक्स्ट अभी हम पेजेस पे जाएंगे। पेजेस पे जाने के बाद हम अभी व्यू करेंगे अपना पोस्ट, कैसे डिज़ाइन किया है आपने पूरी चीज़। तो हम, अगर आपको दूसरा कोई पेज लिंक भी करना है तो आप यहाँ से आप अपने पेज भी लिंक कर सकते हो। देखो आपका जो अबाउट अस का पेज है, अब मैं वो बताऊंगा वो कैसे एडिट कर सकते हैं। कोई टफ चीज़ नहीं है, एकदम इजी है, ठीक है गाइस। देखो आपकी वेबसाइट में कुछ ऐसा आया है और अबाउट अस पेज क्लिक करने के बाद ये दिखता है आपका, ये पूरा अबाउट अस का पेज है। तो इसमें आप कैसे एडिट कर सकते हो, सारी चीज़ें दी है। देखो सर्विस पेज है, फिर हम नेक्स्ट पेज देखेंगे हमारा कॉन्टैक्ट्स का पेज। आप अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हो, कोई टफ चीज़ नहीं है। जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप चीज़ है, जहाँ क्लिक करोगे वहाँ आप बदल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से आप डिज़ाइन कर लोगे। तो अभी मैं आपको नेक्स्ट चीज़ एक और चीज़ सिखाने वाला हूँ, आप कैसे एक पेज से दूसरे पेज पे आप लिंक करवा सकते हो, ठीक है गाइस। हम इसमें एडिट विद एलिमेंटर पे जाते हैं। अब एडिट विद, अगर आपका कोई और पेज है या कोई और वेबसाइट आपको प्रमोट करनी है तो आप कैसे प्रमोट कर सकते हो, सिंपल है। यहाँ पे देखो मोर इन्फो, तो आपको और जानना है हमारे बारे में, तो हम वहाँ पे आपको अबाउट अस का जो हमारा पेज है उसकी लिंक दे देंगे। तो हम वहाँ पे जो पेंसिल जैसा ऑप्शन है वहाँ क्लिक करेंगे और देखो ये हम वेबसाइट ओपन करते हैं, ये वेबसाइट ओपन हो रही है। अब यहाँ पे हम अबाउट अस पे क्लिक करेंगे और अबाउट अस की जो हमारे पेज की लिंक है उससे सिंपली कॉपी करेंगे और यहाँ जाके हम लिंक में पेस्ट करेंगे एंड अपडेट करेंगे। अब देखो हम रिटर्न हमारी वेबसाइट पे जाते हैं जहाँ पे हम चेक करते हैं वो लिंक हुई है नहीं, दूसरा पेज ओपन होता है। देखो सिंपल है, वहाँ पे हम क्लिक कर रहे हैं रिटर्न, तो यहाँ पे देखो अभी हो जाएगा हमारा। देखो अबाउट अस का पेज खुल गया, हमने अबाउट अस की लिंक दी थी। तो इतना इजी है, कोई टफ चीज़ नहीं है दोस्तों, ये चीज़ आप भी कर सकते हो। अब मैं नेक्स्ट चीज़ आपको दिखाऊंगा, मेरी वेबसाइट मैंने कैसे डिज़ाइन की। आप मेरी वेबसाइट की चाहे तो लिंक दे सकते हो, बैक लिंक दे सकते हो, आपकी चॉइसेस। यहाँ पे एक और चेक विजिट कर लेना मेरी वेबसाइट itfaceoff.com करके। देखो कुछ ऐसा इंटरफेस है जहाँ पे पूरी एक प्रोफेशनल डिज़ाइन आपको दिखती रहेगी मेरी वेबसाइट में। तो अब तक आपने मेरी वेबसाइट विजिट नहीं तो विजिट करो, आपको बहुत सारी चीज़ें, अभी तो खैर बहुत कुछ नया अपडेट आ गया रहेगा जब ये वीडियो देखते रहोगे। तो मैंने बहुत कुछ अपडेट किया ये वेबसाइट पे, ठीक है। मैंने ई बुक्स भी प्रोवाइड किए बहुत जल्द, अगर आप यहाँ पे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए तो मैं आपको ई बुक्स भी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है गाइस। अब आपको सर्टिफिकेशंस भी मिलने वाले हैं, इस समय बहुत जल्दी वीडियो लेके आने वाला हूँ, आप भी सर्टिफाइड हो सकते हो। क्या वैल्यू है, कैसे है, क्या एग्ज़ाम दोगे, सारी चीज़ें मैं इस पर अवेलेबल करने वाला। तो गाइस सब्सक्राइब करो मेरी चैनल को और मेरे वेबसाइट पे विजिट करो जल्द से जल्द, आपको बहुत कुछ नया जानने और नया सीखने मिलने वाला है गाइस। तो आप जाके विजिट करो जल्द से जल्द। अब नेक्स्ट मेरा भी अबाउट अस पेज देख लो, बहुत बढ़िया डिजाइन की है सारी चीजें, आप भी वेबसाइट डिजाइन कर सकते हो। फ्रेंड्स आपको ये वीडियो देखने में मजा आया, आपको कुछ नया सीखने मिला इस वीडियो में, तो अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं ये चैनल में ऐसे ही सारी चीजें सिखाने वाला हूँ, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, वेबसाइट डिजाइनिंग, सारी चीजें मैं टॉपिक कवर करने वाला हूँ।
तो आपसे कोई ये टॉपिक मिस ना हो जाए तो ये चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ, क्योंकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे इसके लिए। और आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना। और सेकेंड चीज, आपको मेरे से ट्रेनिंग लेना है, अगर मेरे साथ आपको काम करना है तो आप मेरे को इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं आपको पर्सनली गाइड करूंगा इस चीज के बारे में। अब सेकेंड चीज, अब तक आप डिजिटल मार्केट प्रोफेशनल नहीं बने, अगर आपको डिजिटल मार्केट प्रोफेशनल बनना है, और आपको अगर आप ये किस किस के लिए, मैं वो भी बता दो, जरूरी नहीं है वो स्टूडेंट हो, ये स्टूडेंट भी कर सकता है, फ्रीलांसर हो, जॉब करता हो, या बिजनेस हो, या कोई काम नहीं कर रहा, वो नई स्किल सीख के अपने आप को ग्रो कर सकता है। अगर आप चाहते हो अपने आप को ग्रो करना, अपने आप को एक लेवल अप करना, तो ये कोर्स मैं आपको रेकमेंड करूंगा, GoDaddy सर्टिफिकेशन कोर्स, और आपके लिए मैं बेस्ट चीज लेके आ रहा हूँ। और अगर आप मेरा ये कूपन कोड अप्लाई करते हो, अमित धर्मशी करके यहाँ पे आपको आता रहेगा, ये कूपन कोड आपने अगर अप्लाई किया तो आपको इंस्टेंट 2000 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा ऑन दिस फोन। तो जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी रहेगी, जाके कोर्स परचेज करो और मेरा कूपन कोड अप्लाई करो, और आपको 2000 तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। अब एंड में मैं जाते जाते एक छोटी सी चीज कहता रहा हूं, अब तक आपने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो करो डिजिटल आईटी फेस ऑफ को, मैं वहां पे ज्यादा एक्टिव होता हूँ, आपको लेटेस्ट अपडेट सारे वहां पे देखने मिलेंगे। तो जाओ जल्द से जल्द फॉलो करो मेरे को इंस्टाग्राम पे, और मैं हूं आपका दोस्त धर्मशी अमित, CEO एंड फाउंडर ऑफ IDFaceOut.com। फिर मिलते हैं, साइनिंग ऑफ।